हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक्टिविटी शीट 56 क्लास 6 से 8 क्लास की हिंदी मीडियम की 28 मार्च की करवाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ करवाऊंगा। ठीक है, पहले मैं इस एक्टिविटी शीट में आपके पास आई होगी उसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक जो है ना, एक व्यापारी होता है, उसकी ना तीन बेटियां होती हैं। ठीक है, उसकी तीन बेटियां होती हैं। तो जो व्यापारी होता है वो कहता है, मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो दो बेटियां अलग अलग जो है वो मांग लेती हैं, लेकिन तीसरी बेटी कहती है, मुझे तो एक गुलाब का फूल चाहिए। तो व्यापारी जो है, फिर वो जब वापस आ रहा होता है तो अपनी बेटी के लिए जो है वो सब गिफ्ट ले आता है, लेकिन वो कहता है तीसरी बेटी के लिए, उन्होंने गुलाब मांगा तो गुलाब मैं ले चलता हूँ। तभी क्या होता है कि ना वो वहाँ आंधी तूफान वगैरह इस तरीके से दिक्कत पैदा हो जाती है, वो अपना रास्ता भटक जाता है और उसमें ना वो पास में एक राजमहल देखता है। ठीक है, तो उसमें वो चला जाता है। तो वो कहता है, कितना अच्छा यहाँ पर बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, कितनी अच्छी खाने की व्यवस्था है, सजी है। तो वो खाता पीता वहाँ पर सो जाता है, और अगले दिन जब जाने लगता है तो वो फूल तोड़ लेता है। तो राक्षस कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे को अपने राजमहल में आने दिया, खाने दिया, रहने दिया, तुमने मेरे गुलाब का फूल क्यों तोड़ा। उसने बोला कि मैं ना अपनी बेटी के लिए इसे मैंने तोड़ा है। तो उसने बोला, तुम अपनी बेटी को ना भेजना होगा। ठीक है, तो वो वादा करके चला जाता। तो वो अपनी बेटी के बाद बताता है घर जाके। तो बेटी कहती है कि पापा, मैं आपके वादे को जरूर पूरा करूँगी, मैं कर्तव्यशाली हूँ, मतलब अपनी बात आपकी बात पूरी रखूँगी, आपका मान सम्मान पूरा करती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो उसकी बात के लिए सहमत हो जाता है। तो उसकी बेटी फिर उसके साथ रहती है उसके, और उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि मुझे ना अपनी फैमिली पापा के पास जाना है। ठीक है, तो राक्षस को कहते हैं, मुझे अपने पापा के पास जाना है। तो उसके बाद फिर वो ना, तो वो कहते हैं कि वादा कर तुम आओगी, तो वो कहते हैं 7 दिन में वापस आऊँगी, मेरा जो तय समय किया होता है। तो उसके बाद जो है वो वापस आती है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगे, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो उस राक्षस से फिर शादी उसकी जो हो जाते हैं, और फिर वो मतलब राजकुमार में बदल जाता है। वो कहता है कि ये क्या होगा था तुम्हारे साथ। उसने बोला कि एक चुड़ैल को ना मैंने युद्ध में हरा दिया था, तो उसने मुझे श्राप दिया था कि अगर कोई तुझसे तेरी शक्ल के बिना तुझसे प्यार करेगा तो तू वापस राजकुमार में बदल जाएगा। इस तरीके से कहानी थी बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये था, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो उसके बाद आपको तीन क्वेश्चन कॉपी पर करना है, एक ये वाला करना है, एक ये वाला करना है, और आपको एक ये वाला करना है। ठीक है, तो पहले का क्वेश्चन सुन लो, फिर आंसर ये कॉपी पर करेंगे, हिंदी की है, हिंदी की कॉपी में करेंगे। इस कहानी में जिन शब्दों को ना आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ी होगी, तो उसमें कौन कौन से उच्चारण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, उसकी सूची आपको बनानी है। तो यहाँ मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध का मतलब मशहूर, प्रदेश मतलब दूसरे देश में रहने वाला, ठीक है, या दूसरे देश। इस तरीके से स्वादिष्ट, बहुत स्वाद वाला, घबराए मतलब भय, स्वागत मतलब अभिनंदन, किसी का स्वागत करना, और श्राप मतलब बद्दुआ देना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बोला गया, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। मतलब आपको खुद कहानी बनाकर, इस एक नई कहानी बनाकर इसी के बेस पर आपको बतानी है। तो मैंने एक कहानी आपके लिए लिखी है, आप सुनिए, बहुत अच्छी कहानी लिखी है मैंने। एक बार एक परी और एक राक्षस था, ठीक है, और एक बार एक परी एक राक्षस के महल में गई। वहाँ राक्षस जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है। तो परी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भगवान से दुआ मांगी, इस राक्षस को अच्छा करो, मतलब उस परी बहुत अच्छी थी, उसने दया मांगी। राक्षस एक राजकुमार बदल गया, और जब राजकुमार परी के पास आया तो उसने कहा, तुम बहुत नेक हो, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए दुआ मांगी, तुम भी खुश रहो। मतलब देखो, अगर आप अच्छा करते हैं ना तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे ना तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है, तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा कीजिए। तो देखो, उसने भी बहुत अच्छा किया, दोस्त को भी बोला कि तुम खुश रहो। फिर इस प्रकार दोनों ने दूसरे से शादी कर ली, और दोनों पसंद आ गए होंगे और शादी होगी। तो कैसी लगी कहानी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। और जो पुरानी है वो तो लाइक कर देना है। परी और राक्षस की व्यक्तित्व की तीन विशेषता बताओ, आप कोई भी लिख सकते हो, उसकी जो खास बात आपको लगी हो परी की।
परी दूसरों पर दया करने वाली लड़की थी, मैं अपने माता पिता की बात जो भी मानती थी, लेकिन यहाँ पर पिता बोला था इसलिए मैंने पिता लिखा, ठीक है। मैं अच्छे संस्कारों वाली थी। फिर उसके बाद राक्षस के बारे में पूछा था, तो राक्षस के बारे में पूछा है तो आप बता देंगे कि राक्षस जो है वो नेक व्यक्ति था, राक्षस दूसरों की मदद करता था, राक्षस दयालु था, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन आंसर बता दिए, ये एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट।